भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि जाओ और आनंद श्रावक से क्षमा मांग कर आओ। मगध देश के वाणिज्य ग्राम में आनंद नाम का श्रावक रहता था। वो बहुत धनवान था। उसके पास 4 करोड़ सोना मोहर जमीन में गाड़ी हुई थी, 4 करोड़ सोना मोहर व्यापार में और 4 करोड़ सोना मोहर रियल एस्टेट में थी। इतना ही नहीं, उसके पास 40,000 गायों वाले 4 गोकुल भी थे। आनंद श्रावक बहुत ही बुद्धिमान था और व्यवहार कुशल होने से हर कोई उससे सलाह लेता था। उसकी पत्नी का नाम था शिवानंदा। 70 वर्ष की उम्र के बाद ही आनंद श्रावक को जैन धर्म के बारे में पता चला, जैन धर्म के तत्वों का ज्ञान हुआ। एक बार भगवान महावीर स्वामी उसी गांव में पधारे। हजारों की संख्या में लोग प्रभु वीर की देशना सुनने के लिए जा रहे थे, तब आनंद श्रावक भी परमात्मा की देशना सुनने के लिए गए। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी देशना में साधु के और श्रावक के स्वरूप को समझाया। आनंद की जिज्ञासा बुद्धि जगी और उसने भगवान महावीर स्वामी के पास श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए। भगवान के मात्र संपर्क में आने से, देव गुरु और धर्म के संपर्क में आने से जीवन परिवर्तित हो जाता है। घर आकर आनंद श्रावक ने अपनी पत्नी को श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए है यह बात बताई और पत्नी को भी ये 12 व्रत लेने की प्रेरणा की। शिवानंदा ने भी 12 व्रत अंगीकार किए। लगभग 14 वर्ष बीते और आनंद श्रावक ने अपना घर व्यवसाय आदि अपने पुत्र को सौंप कर उग्र तपस्या शुरू कर दी। एक बार आनंद श्रावक औषध में धर्म चिंतन कर रहे थे, तब उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ। अवधि ज्ञान यानी क्या? सरल भाषा में कहे तो बिना किसी इंद्रियों के उपयोग किए, यानी बिना सेंसेस के उपयोग किए एक सीमा तक, यानी एक रेंज तक जो कुछ हो रहा है वो जान पाना। उदाहरण के लिए इधर बैठे बैठे आजू बाजू वाली बिल्डिंग में या घर में या गली में या शहर में जहाँ तक अवधि ज्ञान की रेंज जाए वहां तक क्या हो रहा है वो जान पाना। डिटेल में अगर जानना हो तो गुरु भगवंतों के पास जाकर जान सकते हैं। तो आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान का माप पूर्व दिशा में लवण समुद्र में 500 धनुष तक, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में भी 500 धनुष तक और उत्तर दिशा में चूल हिमवंत और वर्षधर पर्वत तक, ऊंचाई में स्वधर्म देवलोक तक और नीचाई में रत्न प्रभा नरक तक वो देख पाए, ऐसा अवधि ज्ञान हुआ। ये सब जानकर देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये सब देख पाने के बाद आनंद श्रावक को भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने की जिज्ञासा हुई। सौभाग्य से परमात्मा महावीर स्वामी उसी गांव में पधारे हुए थे। गौतम स्वामी गोचरी के लिए निकले। लोगों के मुंह से जब ये सुना कि आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान हुआ है, तो गौतम स्वामी आनंद श्रावक की पौषित शाला में आए। गौतम स्वामी को आते देखकर आनंद श्रावक ने विधि पूर्वक वंदन किया और विवेक से पूछा कि महाराज, क्या श्रावक को संसार में रहते हुए अवधि ज्ञान हो सकता है? गौतम स्वामी ने उत्तर दिया कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आनंद श्रावक ने पूछा कि प्रभु, मुझे वह अवधि ज्ञान हुआ है और उसका माप बताया कि इतने इतने माप तक मुझे अवधि ज्ञान हुआ है। ये सुनकर गौतम स्वामी के मन में संशय हुआ, यानी डाउट जागा। उन्होंने कहा कि आनंद श्रावक, आप झूठ बोल रहे हो। श्रावक को इतना विस्तार का, यानी इतना माप का, इतनी रेंज तक का अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। आप झूठ मत बोलिए। आनंद श्रावक ने कहा कि मैं यथार्थ कह रहा हूँ, जो देखा है वही कह रहा हूँ प्रभु। गौतम स्वामी के मन में ये बात नहीं बैठी। गौतम स्वामी वहां से रवाना हुए। गौतम स्वामी ये डाउट लेकर गए परमात्मा महावीर स्वामी के पास। पूछा कि परमात्मा, ऐसा ज्ञान किसी श्रावक को हो सकता है क्या? इतना विस्तार का अवधि ज्ञान हो सकता है क्या किसी श्रावक को? भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आनंद श्रावक का कथन सत्य था और तुम्हारी समझ, यानी गौतम स्वामी जी की समझ गलत है। ये उत्तर सुनते ही गौतम स्वामी जी को आश्चर्य के साथ प्रायश्चित हुआ। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से कहा कि जाओ और आनंद श्रावक से क्षमा मांग कर आओ। जिन शासन की खूबसूरती यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं। 3 लोक के नाथ भगवान महावीर स्वामी ने अनंत लब्धि के भंडार गौतम स्वामी से कहा कि जाओ और माफी मांग कर आओ। सामान्यतः दुनिया के व्यवहार में या हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम सब देखते ही है कि अगर किसी बड़े व्यक्ति से गलती हो जाए तो छोटे लोग उस बात को जाने देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि बड़े व्यक्ति है, गलती हो जाती है, वो बड़ा व्यक्ति क्षमा नहीं मांगेगा। इसे हम अहंकार कहे या व्यवहार, जो भी कहे, लेकिन वह क्षमा नहीं मांगता, माफी नहीं मांगता। अब यहाँ पर गलती किससे हुई?
गौतम स्वामी से। कौन गौतम स्वामी? वे गौतम स्वामी जिनके पास दीक्षा लेने के लिए लाइन लग जाती थी। 50,000 शिष्य के गुरु, ऐसे गौतम स्वामी जिनका गुरु समर्पण स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, ऐसे गौतम स्वामी। वे गौतम स्वामी जिनके पास जिस किसी ने भी दीक्षा ली उनका उसी भव में केवल ज्ञान होकर मोक्ष हुआ। इस काल के 24वें तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी के प्रथम गणधर थे गौतम स्वामी। सामान्य साधु भगवंत भी नहीं, गणधर गौतम स्वामी। गणधर थे तो भगवान महावीर स्वामी कह सकते थे कि मेरा गणधर किसी श्रावक से क्षमा मांगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, एक साधु की मर्यादा कम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि गणधर के पास महावीर स्वामी ने क्षमा मंगवाई और गौतम स्वामी क्षमा मांगेंगे, तो ये भी तो संभव है कि सभी की आंखों में गौतम स्वामी की इज्जत कम हो जाए। ये सब संभावनाएं थी, लेकिन महावीर स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इन सबसे ऊपर क्षमा धर्म को रखा कि लोग क्या सोचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती हुई है तो गौतम स्वामी से कहा कि माफी मांगो। यहाँ पर एक और बात समझने जैसी है कि भगवान महावीर स्वामी ने एक साधु भगवंत को नहीं, एक उपाध्याय भगवंत को नहीं, एक आचार्य भगवंत को नहीं, एक गणधर भगवंत से कहा कि जाओ और क्षमा मांग कर आओ। वो भी किस से? एक श्रावक से, आनंद श्रावक से। वो श्रावक जिसने 70 वर्ष के बाद जैन धर्म को जाना और श्रावक धर्म अंगीकार किया। हम में से कई लोगों को ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने बड़े गुरु गौतम स्वामी के साथ महावीर स्वामी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा प्रभु वीर ने क्यों किया। यही जैन धर्म है, यही जैन धर्म की खूबसूरती है कि प्रभु वीर ने साधु धर्म से ऊपर क्षमा धर्म को रखा। क्षमा मांगने से या क्षमा धर्म अपनाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति क्षमा मांगता है वो व्यक्ति कर्मों से हल्का हो जाता है। यही भगवान महावीर स्वामी का स्पष्ट संदेश था। अब गौतम स्वामी का रोल देखने जैसा है। गौतम स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा गणधर, मैं क्यों माफी मांगू, और वो भी एक श्रावक से माफी, हरगिज नहीं मांगूंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा। इतना ही नहीं, इतना बड़ा गणधर हूँ, प्रभु वीर को मेरी लाज रखनी चाहिए थी। कैसे भगवान है, कैसे तीर्थंकर है, अपने ही गणधर की लाज नहीं रख रहे, अपने ही गणधर से कह रहे हैं कि एक श्रावक से माफी मांग कर आओ। पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित कर दिया और ऐसा फल मिला, ऐसा एक भी विचार गौतम स्वामी को नहीं आया। जो भी भगवान महावीर स्वामी ने आदेश दिया तुरंत स्वीकारा और आनंद श्रावक से क्षमा मांगी, मिच्छामी दुक्कड़म कहा। इसीलिए ही वे गौतम स्वामी अनंत लब्धि के भंडार बन पाए। जबरदस्त गुरु समर्पण के कारण ही गौतम स्वामी अनंत लब्धि के भंडार बने, ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। आनंद श्रावक ने 20 वर्ष तक श्रावक धर्म का पालन किया, यानी श्रावक व्रतों का पालन किया, अंतिम समय में अनशन किया, विशुद्ध परिणाम से मृत्यु को पाकर, समाधि मरण पाकर स्वधर्म नामक देवलोक में उत्पन्न हुए, वहां से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर राजा बनकर मोक्ष में जाएंगे। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।